इफ़ द फोसेज ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द टू मासज ऑन द बॉडी ऑफ वन के जी मास आर द सेम द डिस्टेंस बिटवीन द वन के जी बॉडी एंड द फाइव के जी बॉडी ओके सो बेसिकली अपने को फाइंड आउट करना है कि जो डिस्टेंस होगी वन के जी बॉडी एंड फाइव के जी बॉडी के वो क्या होगी ओके okay? सो so हमें कहा गया है कि दो बॉडी मासज दिए गए हैं जिनमें से पहले जो बॉडी है उसका मास है फाइव के जी ओके okay, सो so ये फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं इसका मास है वो है फाइव के जी सेकेंड बॉडी है उसका मास दे रखा अपने को ट्वेंटी के जी एंड हमें कहा गया है कि सेपरेटली थ्री हंड्रेड मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं so, सो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी थ्री हंड्रेड मीटर ओके सो ये डिस्टेंस दे रखी अपने को थ्री हंड्रेड मीटर एंड हमें कहा गया है कि एक वन के जी का मास है जो कि इन दोनों के बीच में रखा गया है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओके सो मान लो कि वो जो मास है वन के जी का वो यहाँ रखा गया है ओके सो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि वन के जी एंड जो फाइव के जी वाली बॉडी है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी यानी कि वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है एक्स की यानी कि हम इसको मान लेते हैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं so, सो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके अगर वन बीच के जी एंड फाइव के जी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स होगी तो वन के जी एंड ट्वेंटी के जी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी थ्री हंड्रेड माइनस एक्स ओके क्योंकि तो टोटल डिस्टेंस क्या है थ्री हंड्रेड मीटर है ओके सो so, बेसिकली अब हम यहाँ देखते हैं कि जो बॉडीज हैं फाइव के जी एंड वन के जी इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स एंड वन के जी एंड टू ट्वेंटी के जी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है ट्वेंटी सो बेसिकली मास ऑफ बॉडी वन है उसका वेट दे रेखा अपने को फाइव के जी एंड जो बॉडी सेकेंड थी उसका वेट दे रेखा अपने को ट्वेंटी के जी ओके एंड इन दोनों के बीच में एक थर्ड बॉडी रखी गई है जिसका मास था वन के जी ओके यानी कि उसको मान लेते हैं एम थ्री इसका वेट क्या है वन के जी ओके एंड अपने को ये भी कहा गया है कि फाइव के जी एंड वन के जी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल है किसके वन के जी एंड ट्वेंटी के जी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके ओके okay. सो so, जो फोर्स है एफ वो इक्वल होता है किसके जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ओके सो एम वन क्या है फर्स्ट बॉडी का मास एम टू क्या है सेकेंड बॉडी का मास एंड आर ये आर क्या है एम वन एंड एम टू के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहते हैं आर कहते हैं एंड जी है इसकी वैल्यू क्या फिक्स होती है कॉन्स्टेंट होती है ठीक है सो so, यहाँ अगर अपन एफ की बात करें सो एफ इक्वल हो गया किसके जी एम वन एम वन की वैल्यू क्या थी फाइव मल्टीप्लाई एम टू की वैल्यू क्या थी ट्वेंटी अपॉन जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास थ्री हंड्रेड मीटर सो बेसिकली ये तो एफ की वैल्यू होगी तो टोटल लेकिन अपने को क्वेश्चन के अंदर कहा गया है इफ़ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू टू मज ऑन द बॉडी ऑफ वन के जी मास आर द सेम ओके एंड अपने कहा गया इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा एंड इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा सो so, यहाँ से बेसिकली एफ इक्वल हो गया जी एम वन एम वन वैल्यू थी क्या थी फाइव मल्टीप्लाई एम टू एम टू की वैल्यू वन के जी अपन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स ये दोनों इक्वल किसके हैं अपने को दे रखा है ये इक्वल होंगे जी मल्टीप्लाई वन दोने दोने के जी मल्टीप्लाई ट्वेंटी के जी ओके दोनों के बीच की वो हो होगी थ्री हंड्रेड माइनस एक्स का स्क्वायर तो बेसिकली यहां अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की सो दोनों को सोल्व करेंगे तो ये होगा जी मल्टीप्लाई फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होगा जी मल्टीप्लाई ट्वेंटी अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे थ्री हंड्रेड माइनस एक्स का सो ये हो जाएगा नाइन वन टू थ्री फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स हंड्रेड एक्स ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जी से जी कैंसिल आउट हो गया एंड फाइव से ट्वेंटी कैंसिल आउट होता है फोर टाइम ओके, सो फोर एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स हंड्रेड एक्स प्लस नाइन्टी थाउजेंड ओके सो बेसिकली ये हो जाता है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स हंड्रेड एक्स माइनस नाइन्टी थाउजेंड इक्वल किसके हो जाएगा जीरो के ओके okay? सो बेसिकली फर्दर सोल्यूशन करते हैं तब इनका सो so, तीन कॉमन आ जाता है एंड इसे आप डिवाइड में ले जाएंगे जीरो के तो ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा सो so, यहाँ बचता है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फर्दर ये बचेगा थर्टी थाउजेंड इक्वल जीरो ओके सो so, यहाँ फैक्टर करते हैं तब अपने पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हंड्रेड एक्स माइनस हंड्रेड एक्स माइनस थर्टी थाउजेंड ज़ीरो ओके अब फर्दर फैक्टर करेंगे तब ये हो जाता है एक्स एक्स प्लस थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड एक्स प्लस थ्री हंड्रेड इक्वल ज़ीरो ओके सो ये कितना हो जाता है अभी एक्स माइनस हंड्रेड एंड एक्स प्लस थ्री हंड्रेड So, यहां से जो x की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है x इक्वल होगा 100 और माइनस 300 हंड्रेड सो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती ओके सो बेसिकली जो डिस्टेंस होगी वो होगी 100 मीटर ओके सो अपना फाइनल आंसर आया है हंड्रेड मीटर सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ओके होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू ट्वेल्थ से 12 नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर